प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत गरीब बच्चों के लिए जो कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, समाज कल्याण विभाग इसमें अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है अम्बेडकर नगर जनपद में। हम उन बच्चों से पूछते हैं कि किस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं या क्या मिलने वाली हैं। तो वहाँ से हमने फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया, वहाँ से एग्ज़ाम हुआ हमारा ऑनलाइन, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, फिर हमारा एडमिशन हुआ समाज कल्याण विभाग में, फिर हमारी क्लासेस चलाई जाती है। किसमें क्लासेस, किस डिपार्टमेंट में? UPSC एंड UPPSC। चलिए, और इस क्या इसे आप समझते हैं? इससे बेनिफिट ये मिला कि हम UPSC की तैयारी करना चाहते थे और हमें टीचर्स के माध्यम से और सभी अधिकारी लोगों के माध्यम से ये समझने में अच्छा लगा कि UPSC का पैटर्न क्या है, प्रश्न की प्रकृति क्या है, निबंध कैसे लिख सकते हैं, मेंस राइटिंग कैसे करेंगे, इंटरव्यू में कैसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, पूरा पढ़ के ही आंसर देना है। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो लोग भी तैयारी करते रहें और धीरे धीरे वो तैयारी करेंगे तो क्या पता अगली बार उनका सिलेक्शन हो जाए, और खुद से भी तैयारी करें। और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो लोग भी यदि चाहें तो आकर क्लासेस कर सकते हैं। हाँ, उन्हें मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की कोई सुविधा वैसी नहीं मिल पाएगी, पर वो क्लासेस कर सकते हैं, इससे उनका फायदा होगा। क्या नाम आपका है? सर युवराज। युवराज, किस में सिलेक्शन हुआ? UPSC में हुआ है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी योजना लाई है, किन बच्चों को लाभ इसका मिलता है? सर, ज़्यादातर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं उन और BPL क्लास के, उनके लिए सर ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि हमें अधिकारियों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। अभी सर राकेश अमन सर थे, उन्होंने बताया कि कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं, तो सर उनसे मिलकर अच्छा लगा। हम लोग जैसे दिल्ली में बहुत महंगी महंगी पूछ गए हैं, हमें अफोर्ड नहीं कर पाए। क्या कोई पैसा यहाँ देना पड़ेगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कोई पैसा नहीं है सर, सबको गाइडेंस है। और जिन जिन लोगों ने पेपर दिया है सबको जो है सर पर्सनली गाइड करेंगे, ग्रुप बनाए सबका। तो सर ऐसे है, हम लोग सिर्फ समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हो रहा है कि अन्य विभागों के माध्यम से? सर समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हो रहा है और बाकी सब लोग शामिल हैं, तो सबका गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिलता रहता है। कैसे जानकारी मिला कि ये योजना चल रही है सरकार की? सर समाज कल्याण विभाग से गए तो वहाँ पर जानकारी मिली कि ऐसी योजना है, पहले से जान रहे थे इसके बारे में, तो फिर अप्लाई किया और फिर सर एग्ज़ाम दिया और फिर सर यहाँ पे। उन गरीब बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अवसर है कि जो बच्चे इलाहाबाद या दिल्ली जाकर कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा ये योजना काफ़ी कारगर साबित होगा। अनूप तिवारी, अम्बेडकर नगर।